कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, किसी का भी काम छूट जाए, लेकिन हमारे बहिनन के शादी होता पवनवा हो जा ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। और पवन सिंह यहाँ पैसा लेके नहीं आएगा, अपने बहिनन के शादी में मदद भी करेगा। आपके भाई आपके बेटा को गाना गाते हुए 32 साल हो गया। हेलो हेलो। और पवन सिंह जैसे मंच पे आता है, भोजपुरी भाषा के बोले वाला देखे वाला सुने वाला, जब आप लोग गरज देना जाना हो भैया, दुनिया के किसी भी कोने में पवन सिंह का सीना। अरे हरण निके मारे के आज YouTube के दुनिया, म्यूजिक वीडियो की दुनिया, भोजपुरी फिल्म के दुनिया, इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि भैया हो न खाने का टाइम है, न सोने का टाइम है, न कहीं अपने मन से जाने का टाइम है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे लिए भगवान हैं। पवन सिंह कोई सुपरस्टार नहीं, कोई पावर स्टार नहीं है, मैं जो कुछ भी हूं आप सबका आशीर्वाद। आगे कुछ मुझे आता ही नहीं। बट हमारे परम मित्र मणिशंकर मिश्रा जी से बात हुई, हालांकि हमारा उम्र में 10-15 साल बड़ बड़े, 20-25 साल बड़ बड़े, लेकिन हमारे दोस्त ही हैं, बहुत अच्छे। इन्होंने गोपाल भैया से बात कराया, लखनऊ हमारे शूटिंग चलत रहे तो पवन सिंह पहले गोपाल राय जी हमारे बड़ भैया, मणिशंकर मिश्रा जी और पवन सिंह, तीनों भाइयों की जब मुलाकात हुई तो भैया ने कही बात हमसे बोला कि भाई रे तोरा आवे के बा, हम कहने भैया रुका कोशिश कर टाइम लेके हो। इसके बाद जब बड़े भाई ने ये बोला कि भाई तोरा अवही के परी कहे कि यह महोत्सव में हमार जवान गरीब घर के माई बहिन बाड़ी से ओकनी खाती कुछ शुभ कार्य सोचल गई बा कि हमरे बेटी के हमरे बहिनन के शादी करवाओल गई हा। मैंने बोला भैया जो आपने वर्ड आज बोल दिया कि हमरे बहिनन के शादी करवावता, तो पवन सिंह आज कहां किस तरीके से कैसे जाता है वो आप सबको भी पता है, लेकिन मैंने बोला भैया कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, किसी का भी काम छूट जाए, लेकिन हमरे बहिनन के शादी होता पवनवा हो जा ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। और पवन सिंह यहाँ पैसा लेके नहीं आएगा, अपने बहिनन के शादी में मदद भी करेगा। तो देखिए क्या है नाच गाना, हंसी मजाक, डांस आजीवन लगा रहेगा भैया, लेकिन गोपाल भैया आपके सोच को मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूँ कि इस महोत्सव के जरिए आप हमारे बहिनन के इतना शुभ, इसको पूजा बोलते हैं। मेरा नेचर क्या है, दिन भर अगरबत्ती दिखाई लोग के बगली मारो चल, कोई फायदा नहीं है। आप मत अगरबत्ती दिखाइए, लेकिन रास्ता चलते अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, वही पूजा है। तो एक बार मैं चाहूंगा, ये महोत्सव बहुत साल से हो रहा है, लेकिन आज भी इतना एनर्जी जो मैं देख रहा हूँ, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ, सोए हुए एक हफ्ता हो गया, बट आप लोगों को देखता हूँ तो एक तो चिराई का बड़ा बड़ा कुल फाट फाट फाट। मैं चाहूंगा ये महोत्सव में इतना शुभ कार्य करने के लिए हमारे बड़े भैया सुपरस्टार, इनके लिए बहुत कम होगा,
मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि हमारे बड़का भैया गोपाल राय जी गायक बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर और बहुत अच्छे नायक और एक बहुत अच्छे इंसान के लिए चारों तरफ से जोरदार ताली हो जाए भैया। और ये कभी कभी मौका मिलता है, इहो सबसे बड़ काम बा, कौनों के फुर्सत नहीं खे, कौनों के खाहू का टाइम नहीं खे, इतना बिजी बड़े सर। तो इतने बिजी शेड्यूल में हर कलाकार को एक मंच पे इकट्ठा कर देना भैया, उसके लिए थैंक यू सो मच आपको। मेरा छोटा भाई मेरा राजा है, भोजपुरी का राजा है। मुझे लगता है कि उमर उसका कम है, बट सीनियरिटी में पवन सिंह के बाद मेरे भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा मेरा छोटा भाई कल्लू ही है। हमके आज भी वो दिन याद बा जब हम लोग गठबंधन फिल्म के प्यार गठबंधन प्यार फिल्म के शूटिंग करत रहे जा, तो जब हम अपने रूम में जाए ना शूटिंग वहां करके, तो भाग के हमारे रूम में आ जाए। इतना छोटा था हम, हो को ढेर बढ़ना रहे, ये इतना था, इतना था मैं, इतना था। तो हम लोग हमके बहुत जगह से सुनने को मिलता था कि ये भाई पवन जी आपका एक चेला है यार, आपका बड़ी नाम लेता है। हम कौन चेला आप, तो कल्लू नाम का एक हीरो है, कल्लू नाम का एक सिंगर है। मैं बोला यार ये इंसान का संस्कार कितना बड़ा है, न कभी मिला है न कभी हारमोनियम के सामने बैठा है, फिर भी पवन सिंह को अपना गुरु मानता है। लव यू बेटा, थैंक यू सो मच। और हड़बड़ाई हा जा, नाच गाना सब होई, बट आज हमारे हिसाब से थोड़ा देर, क्योंकि देखिए दुनिया में आदमी हर तरह का मंच अटेंड करता है, लेकिन ऐसा ऐसा भाव और ऐसा माहौल कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं भैया। चाचा भाई संगतिया दोस्त हमारे माई बहन बैठल बड़ी जा, बस आशीर्वाद बनौले रह सरे कान में, जब आवे लगे जब चली पवन तब रोकी कबार का, अरे आगे बोल रोकी कबार, ये हुई बात। हमारा प्यारा भाई, हमारा राजा भाई, नवादा के किंग, भोजपुरी के किंग, आप सबके सामने मेरा छोटा भाई गुंजन सिंह बैठा हुआ है, खड़ा होकर शेर जी से आ गया सामने। लव यू मेरा भाई, बहुत आगे बढ़िए, एकदम छा जाइए बैठा। और हमसे छोट भाई हमें हमार अजीत आनंद जी, हमके लगा था कि हमने की एक समय के कलाकार हैं, दो चार छह महीना एक साल आगे पीछे हुई, दो महीना के बड़ा छोटा ही। अजीत आनंद जी हमारे सामने हैं भाई मेरे, बचपन का प्यार है, भूल मत जाना यार। लव यू सीरियस, लव यू मेरा भाई, एकदम छाए रही सब भाई हमारे घर जाता रहे। और यही होता है इंसान के जीवन में, संघर्ष ही जीवन होता है। अरे रुक रुक भाई रुक रुक रुक, अच्छा एक बात बताओ, ये जा सब हमार भाई इकट्ठा भइल बाड़े से, एगो के नाम लेबे, एगो के नाम लेना ना ले तो करिए ना धीरे, रुक जो पांच में, हर इंसान के लिए ये मेहनत मायने रखता है भैया। 2020 के कोरोना काल में एक लड़की, अनजान लड़की को मैंने बुलाया गाना गाने के लिए, जो पुदीना गाना है उसको आप लोगों ने YouTube के दुनिया में 3 बिलियन प्लस कर दिया है, ये भोजपुरी इतिहास का सबसे बड़ा आप लोगों ने गाना बना दिया, सबसे सस्ता गाना, पवन सिंह आपका लुंगी पे है, गंजी पे है। 4 लाइन गाने में 4 घंटा लगा था, मैं इरिटेट हो गया यार, नहीं हो पाएगा इससे, हटाओ बुलाओ दूसरे को। लेकिन भैया वैसे समय को देखते हुए एक लड़की जिसका नाम है अनुपमा यादव, उस लड़की ने गाना गाया और आप लोगों ने रिजल्ट दिया, और उसके बाद जो ये लड़की मेहनत कर मेहनत की और आप लोगों ने अपने दिल में जगह दिया, आज स्टेज की किंग कलाकार के नाम से जानी जाती है।